ऐसा, अब मैं कहीं से आ रहा था गाड़ी तो देखा कि वो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नाम पे चंद लोग, सारे ऐसे नहीं होते, किसी भी कौम को मैं सब नहीं, हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं कुछ बुरे होते हैं, तो उन्होंने जनाब रास्ता रोक लिया और लब्बैक या रसूल अल्लाह कह के नाचने लगे। वो जो गाड़ियां गाड़ियों में फंसी हैं बुरे तरीके से, इस कदर कोफ्त हुई है ट्रैफिक बगैर इत्तला के, जब ऐसा कोई होता है तो ट्रैफिक क्या हो गया, फंस गया। अरे भाई इतनी बड़ी टेंशन, इतना बड़ा अजाब, कहां से निकले। मैं उस वक्त सोच रहा था, इस वक्त कोई बीमार हुआ, कोई औरत प्रेगनेंसी में है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, किसी को हार्ट का अटैक हुआ, उसको वो तो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों में, और कोई गोरा आके देख ले, वो बोले हमारे यहां तो ट्रैफिक जैम भी होता है तो हम लाइन से नहीं हटते, और तुम्हारे यहां नबी के नाम पे जब चाहो रोड ब्लॉक करके खड़े हो जाओ। तो इस्लाम तो मेरे भाई मैनेजमेंट सिखाता है, इस्लाम आपको बर्बाद होना या मैनेजमेंट की जो यानी निजाम को खराब करना, इंतजाम को खराब करना, ये इस्लाम की तालीमात थोड़ी है। एक तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि तहज्जुद के लिए उठो तो इतना आराम से कि बीवी की आंख ना खुले, इतना है तमाम के किसी की नींद खराब ना हो, और दूसरी तरफ आप भोंपू लेके पूरे घरों में चढ़े हुए हैं और रोड ब्लॉक किए हुए आपने। एहतजाज अगर रोड ब्लॉक करके करना है तो उसके पहले ही इंतजाम होना चाहिए, भाई ये ऑल्टरनेट रास्ता है गाड़ियों के निकलने का, यहां से यहां तक फला दिन कंटेनर लाके रखा जाएगा, ठीक है ना, उस कंटेनर में इतने लोग होंगे और वो इस तरह से इतना बड़ा जलसा होगा, और फिर उसका मुतबादल एकदम लाके लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम पर सब खड़े हो गए और एकदम ऐसी की तैसी हो। लोग इश्क रसूल में कर रहे हैं लेकिन लोगों के पास इल्म, मैं इनकी नीयतों पर शुबा नहीं करता, नीयतें सबकी इश्क रसूल ही होती हैं, मगर इश्क रसूल का इजहार नहीं आता, कैसे किया जाता है, नबी ने क्या आदाब सिखाए हैं, ये पब्लिक को नहीं पता, और गाइड करने वाले भी नहीं गाइड करते, वो भी अपनी दुकानें चमका के बैठे हुए हैं, उनको इससे होश नहीं है कि किससे किस अमल से किसको क्या तकलीफ हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईजाए मुस्लिम के मुसलमान को आपके किसी अमल से तकलीफ ना हो उसका बे इंतहा ख्याल। कभी थाईलैंड में एक जगह मस्जिद है, वो अजान दे रहे हैं तो इतनी दूर दूर तक अजान की आवाज जा रही है, मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा भाई इतनी जोर से अजान देने की जरूरत, बोलो भाई, नहीं है। तुम्हें अगर मजहबी आजादी दे दी इस हुकूमत ने तो इतना नहीं कि आधे मुल्क को अपनी अजानें सुनाना शुरू कर दो, अपने मोहल्ले तक अजान की आवाज को क्या रखो, आजादी का नाजायज फायदा उठाता है मुसलमान। आपको एक काफिर मुल्क ने आजादी दे दी अजान देने की, तो तमीज से अजान दे दो जितना नॉर्मल होती है, जगह जगह जाके ना माइक लगाए हुए हैं रोडों पर भी, अरे उन गैर मुस्लिमों की सुना रहे हो अपनी अजान भाई, फिर यकीन क्या निकलेगा, वो कंप्लेन करेंगे यार हमारे आराम में खलल हो रहा है और मजहबी मुनाफरत फैलेगी। तो मुसलमान तमीज से चलता, बोलो ना, नहीं है, बस वो समझता है मैं चूंकि अल्लाह की किबरियाई पूरे मुल्क में बयान कर रहा हूं, है अल्लाह की तौहीद मैंने पूरे बैंकॉक में बयान कर दी, तो अल्लाह ने कब कहा है कि मेरी किबरियाई इस तरीके से बयान करो कि फिर कल तुम पर पाबंदियां लगें। और चाइना में मजहबी आजादी बहुत थी, वहां जलसे शुरू कर दिए लोगों ने, उन जलसों से रोड ब्लॉक होना शुरू हुए, चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या कर लगा दी, पाबंदी लगा दी। तमीज से कोई काम ही नहीं होता हम लोगों से, अल्लाह ताला हिफाजत।